प्रशासन का सहयोग करे, घर से बाहर नहीं निकले। सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। गुजरात के सूरत शहर से लॉकडाउन के दौरान 17 लोग अपने घरों को जाने के लिए सुजानगढ़ पहुंच गए, जिनमें से अधिकांश थे सुजानगढ़ व रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के थे, जबकि 4 व्यक्ति बीकानेर जिले के थे। एक व्यक्ति बाड़मेर से भी आया था। सालासर रोड स्थित चौधरी होटल के पास ट्रक में सवार सभी लोगों को हेड कांस्टेबल बीरबल राम व उनकी टीम ने रोक लिया। उसके बाद मेडिकल टीम व पुलिस थाने को सूचना दी गई, जिस पर स्क्रीनिंग करने के लिए मेडिकल टीम के डॉक्टर धर्मेश, मनोज वर्मा, विजय कसवा, कन्यालाल सैनी आदि पहुंचे। दूसरी ओर टीम हारे का सहारा के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को भोजन भी करवाया। वहीं टीम ने सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद उनके नाम, आधार नंबर आदि डिटेल नोट करके उनको घरों की ओर भेज दिया है। सभी लोगों को घर जाकर होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया गया है और संबंधित क्षेत्र के चिकित्सा कर्मियों को भी निगरानी रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं लॉकडाउन का असर शहर भर में देखा जा रहा है। लॉकडाउन के 5वें दिन शहर में बाजार पूर्णतया बंद रहे। एक तरफ जहां बाजारों में पुलिस तैनात रही, तो दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए अपील करने का एक अनूठा तरीका निकाला है। इसके लिए नरेंद्र गुर्जर ने अपने घर पर ही लाउड स्पीकर लगाया और छत से अनाउंसमेंट करके लोगों के नाम पुकार पुकार कर लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की जा रही है। वहीं शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी सीमाओं पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई वायरस से संक्रमित व्यक्ति बिना चिकित्सकीय जांच के लोगों के अंदर न पहुंच पाए। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जनता से बार बार अपील कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कैसे भी करके जनता घर में रहे। जनता इस कोरोना की जो आतंक है, इसके परिणाम गंभीर होंगे। इसके लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए। और पिछले एक दो दिनों में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी हद तक लोग इस कोरोना को समझ रहे हैं। वो इनके जो परिणाम आने वाले हैं उनको पहले से महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग प्रधानमंत्री जी के निवेदन को, आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस कोरोना नामक महामारी की रिजल्ट को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो उसे एकदम हल्के में ले रहे हैं। तो मैंने आज इसके लिए उन भाई लोगों को समझाने के लिए, कम से कम मैं बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन अपने मोहल्ले में मैंने अपने घर पर माइक लगाकर लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि समस्त लोग घर के अंदर रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। इसके अलावा मुझे अपनी छत से जो भी लोग बाहर दिख रहे हैं घूमते फिरते, मैं उनको अपने माइक से कि द्वारा उनके नाम ले लेकर उनको बोल रहा हूँ कि वो अपने घर पे जाएं, बाहर न निकलें और मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर न जाएं और घर पर रहे तो भी अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं, मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर ही रहें। घर से बाहर अगर किसी ऐसे आपदा में जाना भी पड़े तो अपने आवश्यक कार्य के सबूत साथ लेकर जाएं।